तो यार वेडिंग सीजन आ चुका है, इसमें मुझे नहीं पता आप सब लोग क्या करते हो, लेकिन मैं जो करता हूँ वो बस एक ही काम है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाने और कपड़ों के बारे में सोचना। अगर किसी पास के रिलेटिव की शादी है तो हम यही सोचते हैं कि हम क्या पहन के जाएंगे सब एक साथ भाई मिलकर, और किसी दूर की है तो भी हम यही सोचते हैं। तो आज मैं आपको इसी से रिलेटेड चार ऐसे वेडिंग आउटफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप किसी की भी शादी में पहन के जाओ, चाहे वो आपके पास किसी रिश्तेदार की शादी हो या किसी दूर की रिश्तेदार की शादी, आप उसमें हमेशा ही सबसे अच्छे लगोगे और हो सकता है उसमें आपकी शादी का भी इंतज़ाम हो ही जाए। तो यार इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना यार। तो शुरू करते हैं हमारे कुछ फैक्ट्स से। तो यार जो लड़कियाँ होती हैं वो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो नोटिस करती हैं और सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करती हैं वो है हमारा हेयर स्टाइल, उन्हें ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आउटफिट नंबर वन इज़ शेरवानी। अब बोल यार शेरवानी हर एक शादी में जान होती है, अगर आप किसी पास के रिश्तेदार की शादी है तो आप इसे पहनकर काफ़ी अच्छे लग सकते हो, और ये ठंडों में सबसे अच्छा ऑप्शन होती है लड़कों के लिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है यार लड़कों के ऊपर। एंड लड़कियों के पास तो बहुत सारे आउटफिट होते हैं लेकिन लड़कों के पास कुछ गिने चुने होते हैं। इसके साथ आप एक्सेसरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आप कुछ भी पहन सकते हो, बट याद रखना कि आप ऐसी ही पैंट्स लो जो कि आपके स्लिम हो, ना कि ऐसी फूली हुई, वरना आप जोकर लगोगे यार पूरी बरात भर। आप ऐसी पैंट्स लें जो बिल्कुल अच्छी हो, फिटिंग की हो, ये देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। सो आउटफिट नंबर टू इज़ द नेहरू जैकेट्स विद कुर्ता। आप कुर्ता पजामा तो पहनते ही हो लेकिन ये नेहरू जैकेट के साथ इसका रंग और भी निखर के आता है। लेकिन जब भी आप नेहरू जैकेट्स लो तो एक बात का ध्यान रखें कि आप जो नेहरू जैकेट है उसे ब्राइट कलर या फिर डार्क कलर में प्रेफर करें, और वहीं जो कुर्ता है उसे लाइट कलर में प्रेफर करें हमेशा, ये देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और यही नेहरू जैकेट की खासियत है, इससे नेहरू जैकेट और हाईलाइट हो गया दिखेगी। सो द आउटफिट नंबर थ्री इज़ बहुत यार सबको तो हम सभी जानते हैं ब्लेजर्स और पैंट्स, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है हमारे दोस्त की शादी हो, भाई की शादी हो या किसी की भी शादी हो, ये इन सब में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसे आप कहीं भी पहन सकते हो। आप याद रखिए कि आप इसकी जगह पैंट लें लेकिन डार्क कलर की लें, ब्लू कलर की ना लें, जैसे ब्लैक ले सकते हो आप, ग्रे ले सकते हो आप, ब्राउन ले सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल भी लाइट कलर प्रेफर ना करें। और आप इसके नीचे वाइट स्नीकर्स या फिर फॉर्मल जूते पहन सकते हो, और इसमें अगर आप एक वॉचेस ऐड कर लें तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। वॉचेस फॉर्मल लुक्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन फॉर्मल लुक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से ही, तो आप प्लीज़ उसे जाकर चेकआउट ज़रूर करना, मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा। और सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लेजर्स में, शूज़ यार, शूज़ का हमेशा ध्यान रखना, वाइट स्नीकर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन बशर्ते उसके ऊपर जीन्स होनी चाहिए, नहीं तो आप फॉर्मल जूते ही प्रेफर करें। तो सेकंड नंबर आउटफिट इज फॉर्मल ड्रेसिंग। ऐसी बात है, फॉर्मल ड्रेसिंग एक सबसे कॉमन फैक्टर है हम सब में गर्मियों में, चाहे ठंड हो, अगर आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती तो आप फॉर्मल ड्रेसिंग एक कॉमन ड्रेस कोड है वेडिंग के लिए, और इसे आप पहनकर बड़ी आराम से किसी की भी शादी में जा सकते हो, ये हर वेडिंग आपको चांद चांद बनाएगी। और मैं इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, इस बार मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाया, और